प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिससे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और अपनी लाइफ को चेंज करना चालू कर देंगे। तो ये कहानी एक चूहे की है। एक चूहे को एक बड़ा सा जार मिल जाता है जिसमें ढेर सारा खाना भरा रहता है। चूहा बिल्कुल उसके टॉप पर रहता है। चूहा सोचता है कि अब तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, मुझे पूरा एक खाना मिल गया, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, आराम से खा सकता हूँ, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खुश रहता है। देखते ही देखते चूहा उस खाने को खाना चालू करता है और खाता रहता है और कुछ ही दिन के अंदर वो पूरा खाना खाली कर देता है और जार के एकदम नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाता है तो वो देखता है कि अब वो फंस चुका है, उसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि जार जो था, जार की गहराई बहुत ज़्यादा थी, वो पूरा भरा हुआ था लेकिन उसने खा लिया और पूरे एंड तक पहुँच गया। तो फ्रेंड्स, फिर वो चूहा आके एक ट्रैप में फंस गया। उसने देखा कि मैं न बाहर जा सकता हूँ न कोई अंदर आ सकता है, जब तक उसे कोई निकालेगा नहीं तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। तो अक्सर हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि जब हमें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं तो हम उनको खुश होकर वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या पता वो हमारे लिए एक ट्रैप हो, क्या हम भी एक जाल में फंसते जा रहे हैं। चीज़ें मिलना आसान पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको मिल रही हैं तो आप मतलब ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको बहुत ईजीली मिल जा रही है तो आप उसको सोचते हैं कि चलो अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इस पर आराम से काम करता जाता हूँ। तो वही हमारी मेंटेलिटी को चेंज कर देता है, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, उस चीज़ के लिए भागना छोड़ देते हैं और ईजी लाइफ के पीछे भागते हैं। जब हमें पता पड़ता है कि ईजी लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई तो हम बिल्कुल फंस जाते हैं। फिर उस टाइम पे हमारे पास ना कोई स्किल्स होती है ना कोई हम टैलेंट होता है, क्योंकि हमें वो इजी लाइफ मिल रही थी, हमें कंफर्ट जोन में थे, हम चलते जा रहे थे। जब वो कंफर्ट जोन ख़त्म हो गया हमें पता पड़ा अब हम तो इतने कैपेबल ही नहीं हैं कि यहाँ पे सरवाइव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी चीज़ें आपको बहुत ईजी में मिल रही हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो हो सकता है वो आपके लिए ट्रैप हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फॉलो अस।